राष्ट्रपति ने विधानसभा में संयुक्त सदन को किया संबोधित, कहा मेरी ये यात्रा मेरे मानस पटल पर हमेशा अंकित रहेगी। उत्तर प्रदेश के अपने 4 दिवसीय दौरे के चौथे और अंतिम दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधान भवन में सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संयुक्त सदन को संबोधित किया। इसका आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए मुझे बेहद हर्ष का अनुभव हो रहा है। अगर हम दुनिया के 3 लोकतांत्रिक देशों फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो जितनी इन तीनों देशों की आबादी है उतनी सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी है। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक की आबादी अनेकता में एकता की हमारी सांस्कृतिक विशेषता का बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। मेरे कानपुर और गोरखपुर की यात्रा मेरे मानस पटल पर हमेशा अंकित रहेगी। संत कबीर नगर में संत कबीर की समाधि पर जाना मेरे लिए किसी तीर्थ स्थल पर जाने से कम नहीं है। विधान भवन के मंडप में सुबह 11 बजे शुरू होने वाले इस विशेष सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बल्कि देश में विधायिका के शीर्ष अधिष्ठान संसद के अभिन्न अंग है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का भी गौरवशाली अतीत रहा है। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत की उपलब्धियों का पुनर्वलोकन करने के साथ ही अगले 25 वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार करने का आह्वान किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे। इस विशेष सत्र में विधानसभा तथा विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष समेत सभी सदस्य शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के एक ऐतिहासिक तथा गौरवशाली क्षण के लिए लखनऊ रविवार से ही तैयार है। सोमवार को राष्ट्रपति की फ्लाइट लगभग 10:30 बजे राजभवन से विधान भवन के लिए निकलेगी। विधान भवन के पर्टिकोक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधान परिषद सभापति मानवेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ ही सभी पार्टियों के विधानमंडल दल के नेता राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। इसके बाद ठीक 11 बजे राष्ट्रपति विधानसभा मंडप में पहुंचेंगे। यहां वह संयुक्त सत्र में विधानमंडल सदस्यों को मार्गदर्शन देंगे। राज्यपाल, विधान परिषद सभापति, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का भी संबोधन होगा। करीब 1 घंटे विधान भवन में रहने के बाद राष्ट्रपति की राजभवन में वापसी होगी। राष्ट्रपति के सम्मान में दोपहर का भोजन राजभवन में ही रखा गया है। सोमवार देर शाम राष्ट्रपति की लखनऊ से वापसी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सत्र के लिए रविवार देर शाम लखनऊ पहुंचे। उन्होंने राजभवन में रात्रि विश्राम किया। राष्ट्रपति बीते शुक्रवार से ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। शुक्रवार को वह कानपुर देहात में अपने गांव पड़ौंक में थे। शनिवार को कानपुर शहर के कार्यक्रम के बाद गोरखपुर पहुंचे। रविवार को संत कबीर नगर के मगहर में कार्यक्रम के बाद शाम को वाराणसी पहुंचे और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद देर शाम लखनऊ पहुंचे। दोनों सदनों के समक्ष दूसरी बार होगी राष्ट्रपति का संबोधन। यह दूसरा मौका होगा जब राष्ट्रपति विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इससे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित उत्तर शती रजत जयंती समारोह में 8 जनवरी 2013 को दोनों सदनों को संबोधित किया था। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानमंडल पर विशेष डाक टिकट भी जारी किया था।